तो अवैध लीज खनन मामले से लेकर अब अवैध जमीन घोटाले मामले में भी सीएम हेमंत सोरेन का नाम शामिल हो चुका है। इस मामले में हुई पिछली 13 गिरफ्तारियों के बाद सीएम हेमंत के तार इससे कैसे जुड़े हैं और अब आगे की कार्रवाई में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। 10 अगस्त को ईडी करेगी सीएम हेमंत से पूछताछ। सीएम तक कैसे पहुंची जमीन घोटाले की आंच। झारखंड में जब से रांची के बरियातू का आर्मी जमीन घोटाला उजागर हुआ है, कारोबारी हलकों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी भूचाल आया हुआ है। झारखंड के इस चर्चित जमीन घोटाले की जांच ईडी करीब 1 साल से कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर भूचाल तब आया जब इस साल जमीन घोटाले में कई दिग्गज कारोबारी और अधिकारी इसके लपेटे में आ गए और इस घोटाले की जांच अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन तक जा पहुंची है। पहले अवैध खनन और अब जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हैं। जिस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है, उस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस केस में रांची के उपायुक्त रहे आईएएस छवि रंजन भी फंसे हुए हैं। फिलहाल निलंबन झेल रहे छवि रंजन जेल में है। इसी मामले में कोलकाता के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी जेल में है। समझा जा रहा है कि इसी केस की कड़ी खिसकती हुई अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जा पहुंची है। आइए जानते हैं सीएम तक कैसे पहुंची जांच की आंच। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 13 और 26 अप्रैल को की छापेमारी। 13 अप्रैल को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से मिला बक्सा। बक्से में ईडी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। 14 अप्रैल को प्रदीप बागची, अफसर अली उर्फ असफू खान, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान और भानु प्रताप प्रसाद गिरफ्तार। रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद। जांच में आया रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन का नाम। ईडी ने की छवि रंजन से कई दौर की पूछताछ। 4 मई को रांची के निलंबित आईएएस छवि रंजन हुए गिरफ्तार। 7 जून को दिलीप कुमार घोष और अमित कुमार अग्रवाल गिरफ्तार। 3 जुलाई को भरत प्रसाद और राजेश राय की गिरफ्तारी। 31 जुलाई को कारोबारी विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी। 11 अगस्त को ईडी ने जेल में बंद प्रेम प्रकाश को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 13 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। प्रेम प्रकाश से पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम हेमंत को भेजा समन। ईडी ने 14 अगस्त को बुलाया, हेमंत व्यस्तता के कारण नहीं आया। ईडी ने दोबारा समन भेजकर सीएम हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को बुलाया है। फर्जी दस्तावेजों से किया गया बड़ा घोटाला। करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीद बिक्री। ईडी ने अब तक जो भी कार्रवाइयां की हैं और उन कार्रवाइयों में जो भी दस्तावेज मिले हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भू माफिया और अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन का इतना बड़ा घोटाला किया है। जमीन घोटाले में कई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना के कब्जे वाली लगभग 5 एकड़ जमीन को बेचा गया है। 13 अप्रैल को ईडी ने मामले में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में स्थित करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को पूछताछ में पता चला है कि रंजन और बिचौलिया प्रेम प्रकाश कारोबारी अग्रवाल के संपर्क में थे। इन लोगों ने मिली भगत से करोड़ों की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची। मामले में कारोबारी अग्रवाल से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि कई मंत्री और अधिकारियों से अग्रवाल के अच्छे संबंध है। जब से ईडी ने सेना की जमीन की हेराफेरी मामले में हाथ लगाया है, इस जमीन घोटाले के साथ साथ दूसरे जमीन घोटाले भी खुद ब खुद उजागर होते चले गए। ऐसी दर्जनों जमीनों की दस्तावेज ईडी को मिली है, जिसे फर्जी तरीके से रसूखदारों के अपने रसूख के दम पर हथिया लिया गया। ईडी फिलहाल बरियातू के आर्मी जमीन फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इसी पूछताछ में निकली कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अब सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। बरियातू इलाके की जिस जमीन की ईडी छानबीन कर रही है,
वो करीब 5 एकड़ जमीन है। इस जमीन की ही फर्जी तरीके से खरीद बिक्री की गई है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदा बेचा गया है। पूछताछ में इस जमीन में ईडी को सीएम की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, जिसे ईडी सुलझाने की कोशिश में लगी है। बहरहाल ईडी का बढ़ता शिकंजा हेमंत के लिए चिंता का विषय है। सीएम हेमंत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां और सरकार आमने सामने दिख रही हैं।